हेलो फ्रेंड्स, मैं अंडमान में हूँ। ये है लाइफ 2020 की, जहाँ पर मेरे पीछे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जिसे हमारे देश के पीएम ने इनॉग्रेट करा था। और कोई भी बिना मास्क के नहीं घूम रहा है, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा है। और एक लाइफ थी 2019 की, जिसमें हम बिना सोचे बेधड़क हल्ले गुल्ले के साथ एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे और एंजॉय करते थे। तो मेरे पास कुछ क्लिपिंग है पुरानी वीडियो की, उसे लगता है मैं आपके साथ शेयर करूं और इसे भी आप एंजॉय कर सकते हैं नज़ारे को। चलिए देखते हैं, ये है 2020 मास्क के साथ और 2019 में आपको अभी दिखाता हूं। सो हेलो फ्रेंड्स, इस समय मोस्ट अवेटेड मोमेंट आ गया है, जिसकी हमने बात की थी। तो अंडमान लवर्स को अंडमान से अलग भी दूसरी चीज़ें दिखाने का टाइम है, और ये टाइम है जो कि है मोस्ट अवेटेड सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी का। यस, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि अपने टाइगर्स और वाइल्ड एनिमल्स के लिए फेमस है। और इस समय हम यहाँ पर हैं, उत्तराखंड में हैं, और यहाँ जिम कार्बेट हम जो है हमसे 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। और मेरे साथ लगभग पूरी टीम है, हम लोग जुड़ गए हैं जो कि वाइल्ड लाइफ के लवर्स हैं। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ मैडम है, हेलो करेंगे। और ये देखिए, ये है मैडम से, और ये दोनों जावाज भी हैं हमारे साथ। तो हम सब लोग डट के खाना खा रहे हैं, और देखिए मैडम है, ये वाइल्ड लाइफ के लिए सब तैयार हैं। हम सब लोग 4 बजे सो के उठ जाएंगे, आप इमेजिन कीजिए, हमारी आंखें भी नहीं खुलेंगी। तो हम पूरा कवर कराते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिम कार्बेट वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए। वो देखिए, वो भी सब है, आप देखेंगे। तो लगभग हम 2-3 जीप में जाएंगे, तो देखते हैं, सुबह एक्सप्लोर करते हैं। चलिए अभी के लिए गुड नाइट। तो ये अगर आप 4:30 का समय हो गया सुबह मॉर्निंग का, ये देखिए, ये एक आ गई है जीप हमारी का। टाइम है सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ये देखिए केवल सेकंड में हमारी टीम आने वाली है, उसमें सबके साथ रॉकेट निकलते हैं जून में। तो एक ही जून हम लोग खुला पाया अभी। हम बस होटल से निकल ही रहे हैं, पीछे हमारे जिरना गेट से लगभग 200 मीटर पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड है, अब की एक टाइगर जिंदगी की टाइगर नहीं, हम लोग एक एक करके एक रही है बस। सॉरी, ये सफारी जा रही है, सफारी के लिए जा रही है। और हम सब्सक्राइब माय चैनल अंडमान लवर्स। अच्छा, कितने टाइगर हैं अंदाजा? अंदाजा तो बहुत है। जानवरों के बारे में पूछे, पक्षियों के बारे में पूछे, आपको हर नॉलेज देंगे। तो सर ये ढेला गेट, ढेला गेट, तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? टाइम तो आपका वैसे वैलिड होता है 6:30 to 6:15 से 10:15 तक होता है जी। बट क्या है कि बरसात में लिमिटेड एरिया खुला होता है, लिमिटेड टैक्स होते हैं और टाइमिंग थोड़ा कम हो जाता है। पॉसिबिलिटी है टाइगर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। 100% रहता है जंगल में टाइगर, तो 100% में है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं दिखेगा इस बात का। लकेंचा नेचर एंड जूम स्वतंत्र होता है सर। तो सर हम आपको बता दें, हम भी बहुत दूर से आए हैं, काला पानी से आए हैं, जिसका नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड जी। बहुत दूर से आई है, बहुत दूर से। और ये सर, ये पीछे ये सारा क्या हो रहा है? ये गाड़ियाँ लाइन से लगी हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये थोड़ा इसमें थोड़ा आईडी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, आईडी में थोड़ी प्रॉब्लम है।
ये आप देखिए लाइव पे लगे हैं तो ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए एक के बाद एक के बाद एक, इसे कन्वे बोलते हैं, जैसे हमारे अंडमान में कन्वे होता है ऐसे यहाँ पे। और सभी लोग एक्साइटेड हैं सफारी के लिए, सभी लोग वेट कर रहे हैं कि शेर दिखे उनको, बब्बर शेर दिखे। क्यों ये कहाँ से आए आप लोग? बनारस से आए हैं। ये देखिए बढ़िया, हम लोग अंडमान से हैं और हमारा चैनल है अंडमान लवर्स यूट्यूब पे, तो आप लोग जल्दी पॉपुलर होने वाले हैं यूट्यूब पे। और ये देखिए दूसरी जीप, और धीरे धीरे करके हम अपनी एक जीप के पीछे पहुँचते जा रहे हैं और इस एडवेंचर ट्रिप के लिए। और देखेंगे आप लोग कहाँ से हैं? वाराणसी से हैं। देखिए नरेंद्र मोदी का चुनाव स्थल है वाराणसी, और ये सारा युवा भारत है, दिस इज यंग इंडिया। हेलो, ये तो आप लोग एक्साइटेड हैं? यस, चलो अंदर हम भी चलेंगे देखते हैं। तो यहाँ हम फाइनली आ रहे हैं धीरे धीरे। हमने दो जीप देखी थी आगे, दो बनारस की थी फुल भरी हुई जीप, और वो बहुत एक्साइटेड है। ये कन्वे है, दिस इज टीम झारखंड। देखिए कितना बड़ा कन्वे लगा है। और ये देखिए ये पीछे से गुजरात की टीम, पंजाब की टीम, लुधियाना की टीम इसमें है। और ये देखिए ये तो पीछे से भी हाथ आ रहा है, और सब लोग कितने एक्साइटेड है। कितने एक्साइटेड है सफारी के लिए? वेरी मच बहुत एक्साइटेड है। ठीक है चलिए, तो आप भी अगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आते हैं तो आपको भी यहाँ पर इसी तरह की प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो अपने आप वोटर आईडी साथ लेके आए, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ साथ लेके आए। तो ये आपका है सिग्ना गेट, जल्दी हम अंदर आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या होती है सफारी। तो मैं हूँ आपका दोस्त मनु, जो आपको जल्दी मिलूंगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, बाय। ये हमारे गाइड है, क्या नाम है सर आपका? विनोद। विनोद ठीक है, आप क्या क्या घुमाएंगे? हम लोग अभी ढीला जोन जा रहे हैं, और अभी तो फिलहाल हम ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे। अच्छा, फिर जंगल का एरिया कवर करते हुए निकलेंगे। ओके चलो चलिए, चलो थैंक यू। हाँ भाई भाई, टीगर यहाँ पे होगा ना? टाइगर यहाँ पे ऑनलाइन करने पड़ता है। और 15 गाड़ी हमारी जो है ढीला जोन पे जाती है। अच्छा, 30-30 गाड़ी जाती है? 30 और 15। ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, लगभग 15 किलोमीटर का अराउंड होगा। भाई साहब कुछ मिलेगा अंदर देखने के लिए? बिल्कुल, सुबह सुबह का टाइम तो अभी टाइमिंग है, तो थोड़ा अच्छा टाइमिंग होता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी गर्मी या फिर धूप होती है, या डिस्टर्बेंस की वजह से एनिमल का मूवमेंट थोड़ा कम होता है। अच्छा अच्छा, तो आपको दिखा, आपकी कभी भीड़ तो हुई है? सामने टाइगर आ गया उसका। मैं से मैं लाइव किरण सन वो रोड पे ही रोए हैं बिल्कुल, लेकिन वो खड़ा है ना, वो भागे। और ये सब रहता है, लेकिन समर जो समर का आपका टाइम है, हाँ वो, हाँ वो भरा जाते हैं, या फिर दूसरा आपका जो है वो लोहे का बना है? ऐसा क्यों? ये घर किसका है? ये चेक पोस्ट मैंने आपको बताया ना, जगह छोटे छोटे चेक पोस्ट बने हैं, यहाँ फॉरेस्ट गार्ड मतलब फॉरेस्ट की टीम होती है, और इस चेक पोस्ट का एक इंचार्ज होता है जो बीच का इंचार्ज होता है। उसके एरिया में एक क्षेत्र आता है ना एरिया फॉरेस्ट का, उस एरिया में वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, कोई इलीगल वो ना करे इसलिए। वो तो हाथी है सर? नहीं हाथी नहीं है, वो पेड़ है। और पेड़ की वो
Subscribe my channel and one love us. आपके क्या कमेंट हैं 2019 और 2020 के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अंडमान से रिलेटेड अपडेट मैं आपको बताऊंगा।